हेलो फ्रेंड्स, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है हमारी लेक्स में, लेक्स की हमारे इंडिया में, उसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगी, जो है एक्चुअली वाटर हाइसिंथ, जलकुंभी या गुरबडे का। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, आप लोग बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं कि उदयपुर में जो पीछे वाला लेक थी वो पूरा का पूरा कवर्ड हो गई थी वाटर हाइसिंथ। उसको कई बार साफ करने की कोशिश करी गई, खाली भी किया गया लेक को, लेकिन फिर से वो वाटर हाइसिंथ दोबारा आ गया। इसी तरीके से हुसैन सागर इस चीज़ के लिए बहुत बड़ा फेमस है, और हम अपनी CBSE की बुक्स में भी पढ़ा करते थे कि हुसैन सागर जो है वो वाटर हाइसिंथ से अफेक्टेड है। तो ये है क्या, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे आज। तो वाटर हाइसिंथ या एकॉर्निया ग्रैसिपीड, ये एक्चुअली एक्वाटिक वीड के नाम से जानी जाती हैं। तो हमारे भारत देश में काफ़ी सारी वीड्स मिलती हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों को ये वाटर हाइसिंथ से ही है। इसकी स्टोरी क्या है ये भी थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए कि ब्रिटिशर्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम जो हमारी लेक्स थी वो सारी फ्रेश वाटर बॉडीज थी, उनको सजाने की कोशिश की गई, ब्यूटिफिकेशन किया गया, तो लोटस लगाया जाता था। लेकिन लोटस क्या था, उसको मेंटेनेंस थोड़ा ज़्यादा चाहिए था। तो जैसी अगेन बारिश ज़्यादा हुई, वाटर लेवल जो है वो लेक में बढ़ा, तो सारा का सारा लोटस खराब हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए, या कहना चाहिए मेंटेनेंस ना करनी पड़े, इससे बचने के लिए ब्रिटिशर्स ने अमेजॉन से वाटर हाइसिंथ लेकर आए इंडिया। बहुत जगह अपनी मोस्ट ऑफ द टाइम सब कॉलोनीज में लेके गए ब्रिटिशर्स, लेकिन हम इंडिया के बारे में बात करेंगे। तो अमेजॉन से ही लेकर आए। अमेजॉन रिवर बहुत बड़ी रिवर है और उसमें वाटर हाइसिंथ पाई जाती है, लेकिन क्या होता है जैसे ही उसमें बाढ़ आती है वो पूरी की पूरी समुद्र में चली जाती है। तो वाटर हाइसिंथ सेलाइन वाटर में एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। तो समुद्र का पानी क्योंकि सेलाइन वाटर होता है, इसलिए आपको उसमें कभी वाटर हाइसिंथ नहीं दिखाई देगा, लेकिन रिवर में या जो आपकी लेक्स हैं उनमें वाटर हाइसिंथ बहुत अच्छी ग्रो करती है, और इसका बहुत सुंदर कलर लेवेंडर कलर का फ्लावर होता है। तो ये देख के, प्लस इसको मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती, अपने आप फ्लोट करती रहती है तो बहुत सुंदर लगती है, ये देखकर ब्रिटिशर्स इसको अपनी सारी कॉलोनीज में जो उनकी वाटर बॉडीज थी उनको सजाने के लिए लेकर आए। लेकिन उस टाइम पे ये बात नहीं पता थी कि इसके अंदर एक क्वालिटी है, ये मैटिंग करती है और इतना ज़्यादा ग्रो कर देती है कि पूरी की पूरी लेक्स को कवर लग करने लगती है। तो वाटर बॉडीज लगने की जगह गार्डन लगने लग जाती है। उस टाइम पे क्योंकि फ्रेश वाटर था, तो जैसे मैंने कहा कि पानी में नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स बहुत ज़्यादा कम थे, तो जब नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स पानी में कम थे तो फर्टिलाइजर वाटर हाइसिंथ को कम मिल रहा था, और इसीलिए ग्रोथ रेट भी उसका बहुत ज़्यादा कम था। लेकिन जैसे जैसे इन वाटर बॉडीज में स्वेज वाटर मिलने लगा धीरे धीरे, वैसे वैसे नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स कंटेंट भरने लगे, तो इसका मतलब फर्टिलाइजर जो है वो इन प्लांट्स को ज़्यादा मिलने लगा और इनकी ग्रोथ ज़्यादा बढ़ने लगी। तो ये बिल्कुल फैक्ट है, किसी को भी खाना ज़्यादा मिलेगा तो वो ज़्यादा बढ़ेगा। एक और बड़ी अजीब सी बात है इस वाटर हाइसिंथ की कि ये वाटर हाइसिंथ पॉलिनेशन भी करती है, लेकिन साथ में सिंगल मींस मदर भी डायरेक्टली डॉटर को दे सकती है। तो अगर पॉलिनेटेड के थ्रू इसका पॉलिनेशन अगर एक्सचेंज हो तो भी ये मल्टीप्लाई करती है, और अगर पॉलिनेशन नहीं हो तो भी इसके अंदर एक कैपेबिलिटी है कि अपने आप को ये मल्टीप्लाई कर सकती है। अब देखिए, इतने साल हो गए तो भी हम इसको इन्वेसिव स्पीशीज बोलते हैं। भाई इतने सालों तक तो इंडिया में कोई भी रहेगा तो उसको सिटीजनशिप नहीं मिल जाएगी क्या? तो अब इन्वेसिव स्पीशीज नहीं रही है, अभी इसको एक्सेप्ट करना चाहिए और उसको सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। इसकी जो सबसे अच्छी केपेबिलिटी है वो ये है, आज तक आपने देखा है कि ETP बने हैं। ETP मतलब एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स। हमारे यहाँ STP है मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, बट हमारे यहाँ एक भी MTP नहीं है। MTP मतलब मेटालिक ट्रीटमेंट प्लांट्स। अब जितना भी आर्सेनिक, लेड, क्रोमियम सबका सब पानी में आता है, वो कहाँ जाएगा, उसको कौन लेगा? वो पूरा का पूरा ये जो इन्वेसिव स्पीज जिसको आज आप बोलते हो पूरा एब्जॉर्ब कर लेती है वाटर कंटेंट, और इसके अंदर एक कैपेबिलिटी है कि 63% तक पानी को ये साफ कर सकती है। मैक्सिमम इसका पोर्शन 80% इसके इस वीड के अंदर 80% इसका वाटर कंटेंट है, और बाकी जो है थोड़ा सा ऑर्गेनिक मटेरियल है। अब इसके बारे में जो सच्चाइयां हैं वो जानिए। अगर लेक या कोई भी वाटर बॉडी कंप्लीटली वाटर हाइसिंथ से कवर्ड है, या 100% हम कह सकते हैं कवर्ड है, तो यस, क्यों? ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी क्योंकि सनलाइट
पानी के नीचे सनलाइट भी चाहिए होती है, सारे नीचे के जानवरों को सनलाइट चाहिए होती है, अंदर के जो प्लांट्स होते हैं उनको भी सनलाइट चाहिए होती है, तो सनलाइट क्योंकि ये नहीं पहुंचने देती है तो ये प्रॉब्लम क्रिएटर है। हाँ, लेकिन अगर उसी वाटर बॉडी में ये सिर्फ 20% कवर करती है तो एक्चुअली उस पानी को साफ करने का सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है ये इसके बारे में सच्चाई है जो कोई नहीं बताता है। प्लस इसके जो लीव्स होते हैं उसमें इतनी सारी बर्ड्स आके अपने अंडे देती हैं, ये अपने आप में एक कंप्लीट इकोसिस्टम है जो कि लोगों को हैबिटेट दे रही है, बायोडाइवर्सिटी को हैबिटेट दे रही है, तो इसका होना बहुत अच्छा है क्योंकि बर्ड्स इसकी लीव्स में से आके बहुत सारे कीड़े मकोड़े खाती हैं और आप बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स देखोगे जो इसके ऊपर आके बैठेंगे। इस वीट को अगर हम 20% अपनी लेक में या अपनी वाटर बॉडी में मेंटेन कर सकें तो इससे अच्छा ट्रीटमेंट प्लांट पॉसिबल नहीं है। अब वो कैसे कर सकते हैं, किसी को भी आपने मान लीजिए एक रोटी दी, अब वो रोटी अगर एक ही जानवर खा रहा है तो बहुत मोटा ताजा हो जाएगा, लेकिन अगर वो रोटी 4-5 लोग या 6-7 लोग खा रहे हैं तो हर किसी की ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ेगा। यही काम हमने अपनी नेकनापुर लेक में किया। हमने हमारी लेक में वीट थी, जो मैंने शुरू में भी कहा कि हमारी लेक पूरी कवर्ड थी एक्वाटिक वीट से, हमने उस वीट को रिड्यूस करने के लिए, उसकी ग्रोथ को रिड्यूस करने के लिए ये सारे प्लांट्स लगाए। अब वही इनका खाना क्या है, नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स, बट वही नाइट्रेट्स फॉस्फेट जब बहुत सारे प्लांट्स के बीच में डिवाइड हो गए तो इस वीट की ग्रोथ में बहुत बड़ा इफेक्ट आ गया। पिछले 2 साल से हमारी लेक में, बल्कि दो क्या अब तो 3 साल होने वाले हैं, तो पिछले 3 साल से हमारी लेक एक बार भी इस एक्वाटिक वीट से कवर नहीं हुई, जबकि हमारी लेक में एक्वाटिक वीट प्रेजेंट है और वो मल्टीप्लाई भी हो रही है, लेकिन उसकी ग्रोथ इतनी स्लो है कि वो आराम से आप 3-4 महीने में छोटे से नेट से आप उसको बाहर निकाल सकते हो, पर वो कभी भी लेक का पूरा जो वाटर स्प्रेड एरिया है उसको कवर करने में टोटली असक्षम। अब तक आपने देखा है कि हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं वो बहुत सारे पैसा खर्च कर रही हैं इस वीट को, इसके लिए बड़ी बड़ी मशीनें लेकर आ रही हैं, मशीनों से सफाई हो रही है और उसके ऊपर जो है बहुत सारे काम हो रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं सोच पा रहे हैं कि जिस दिन हम इस वीट को एक्सेप्ट कर लेंगे, जो कि आसाम में इसी वीट से बहुत सारा क्राफ्ट बना रहा है, बास्केट बना रहा है, कॉम्पोस्ट बना रहा है, इससे सबसे बड़ा न्यूट्रिशियस फर्टिलाइजर कॉम्पोस्ट बनता है, तो अगर हम इस वीट को यूज़ करें, इसको हम रेगुलर हार्वेस्ट करते रहें, तो हम बहुत सारे लोगों को जॉब्स दे सकते हैं, बहुत सारे क्रिएटिविटी ला सकते हैं, और प्लस इस वीट का जो अच्छा पॉइंट है जिसमें कि ये बायोडाइवर्सिटी भी देती है साथ साथ में पानी को भी साफ करती है, उसको भी हम फ्यूचराइज कर सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं। सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि अगर आप देखेंगे जिस लेक में वाटर हाइसिंथ होगी उसमें एल्गी कंटेंट बहुत कम होगा। जब आपको पानी ग्रीन ग्रीन कलर दिखाई देता है तो वो एल्गी की प्रेजेंस की वजह से दिखता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पानी गंदा है या पानी पॉइजनस है इसीलिए वो ग्रीन दिख रहा है। पानी कभी भी पॉइजनस ग्रीन कलर का नहीं होता। अगर पानी बिल्कुल काला है, बिल्कुल जेट बैक का, तब आप उसमें कह सकते हो कि उस पॉइजन में टॉक्सिक कंटेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर पानी ग्रीन है, ग्रीन में भी लाइट ग्रीन है कि डार्क ग्रीन है, ये कलर्स आपको ये बताते हैं कि एल्गी उस लेक में या उस वाटर बॉडी में ज़्यादा है। नेकनामपुर लेक में हमारे अब काफ़ी टाइप के वीट्स प्रेजेंट हैं, जैसे मैंने कहा आपको पहले बताया वेटलैंड प्लांट्स या फाइटोरेमिडेशन प्लांट्स प्रेजेंट हैं, हमारे पास वाटर हाइसिंथ है और हमारे पास एल्गी है, बट ये तीनों ही प्लांट्स आपस में बैलेंस कर रहे हैं। कैसे? वाटर हाइसिंथ जो है वो एल्गी की ग्रोथ को रिड्यूस कर रही है क्योंकि वो एल्गी का खाना वाटर हाइसिंथ खा रही है, लेकिन उसकी वजह से जो एल्गी है, पानी का जो कलर है वो लाइट ग्रीन दिखाई देता है नेकनामपुर लेक में। अब वाटर हाइसिंथ का जो खाना है वो फाइटोरेमिडेशन प्लांट्स खा रहे हैं या वेटलैंड प्लांट्स खा रहे हैं, उसके वजह से जो वाटर हाइसिंथ की ग्रोथ है वो रिड्यूस्ड है। तो ये एक तरीके से एक सर्कल बन गया है अपने आप में जो कि इस ग्रोथ को एक्सट्रीम नहीं होने दे रहा है और कंट्रोल करके चल रहा है। तो इसकी वजह से लास्ट 2.5 ईयर से हमारे लेक में दोबारा से कभी भी वाटर हाइसिंथ की ग्रोथ नहीं हुई है और लेक कभी भी उसको प्रॉपरली कवर्ड नहीं कर रहा।
तो ये हमारा वीडियो हुआ वाटर हाइसेंथ के ऊपर, और मैं इसके ऊपर बहुत अच्छा विश्वास करती हूँ, और मैं इस इन्वेसिव स्पीशीज को इन्वेसिव ना कह के नेटिव स्पीशीज करती हूँ, क्योंकि ये नेकनामपुर लेक को साफ करने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देती है। थैंक यू।